कई बार योग परमात्मा के लिए जो सुबह अमृत वेले करते हैं, नुमा शाम करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, भट्टी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, सुबह अमृत वेला भी कभी मिस नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आत्मा निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है। देह अभिमान आ ही जाता है, क्रोध आ ही जाता है, कर्मेंद्रियां और जगह भागती ही रहती हैं, उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। परमात्मा युक्ति भी बहुत अच्छी देते हैं, सहज देते हैं, और मुरलियों में भी बाबा आए दिन नया नया पॉइंट डालते हैं जिससे बच्चे मेरी याद में रहें। इतना परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, इतने बाबा ने स्पीच बाबा के बच्चों के द्वारा दी हुई है, इतना बाबा के बच्चे जगह जगह जो ज्ञान गंगाएं ब्रह्ममुख से निकली हैं, शिव परमात्मा ज्ञान सागर बाप से ज्ञान गंगाएं निकली हैं, बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र उनके द्वारा। अब ये ज्ञान तो निकला है और जगह फैल भी रहा है, लेकिन जो आत्मा निश्चय नहीं हो पाता और अशरीरी खुद से अनुभव कर ही नहीं पाते, जबकि बहुत सहज रहती है, उसका बहुत बड़ा कारण है। एक तो परमात्मा का ज्ञान देने वाले भी, देखिए इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक परमात्मा के कोई एक विशेष बच्चे की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं गृहस्थ में हूँ और गृहस्थ में रहते मैंने इन आँखों से देखा है, सुना है, जबकि मेरा जो ज्ञान है वो किसी सेंटर से नहीं जुड़ा, किसी डायरेक्ट कोई संस्था से नहीं जुड़ा। मेरा ज्ञान जो है, मैंने शुरू शुरू में पहले भी वीडियो अपलोड किया है, मैंने हमारे बीके शिवानी दीदी, हमारे बीके सचिन भाई जी, डॉक्टर सचिन भाई जी, हमारे जो राजयोगी हैं, जो मधुबन में कुक भी हैं, सूरज भाई जी, बीके उषा दीदी, बीके हमारे एक दीदियां, बहुत वरिष्ठ दीदियां हैं, इन सब के जब हम कोई भी परमात्मा से रिलेटेड महावाक्य सुनते थे या कोई पॉजिटिव बात सुना करते थे, तो धीरे धीरे उनमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, और इंटरेस्ट आते आते मुरली तक बात पहुंची। तो मुरली भी पहले हम जो आती है ऑडियो मुरली वो सुना करते थे, वो सुनते सुनते पढ़ने की चेष्टा जागी, और जब पढ़ने की चेष्टा जागी, ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ, कोरोना के समय से ये आदत पड़ी हुई है, तो तब से फिर इतना आदत पड़ गई कि पढ़ते पढ़ते कब उसको हम सुनाने लग गए यह याद ही नहीं है, है ना। हम भी मुरली को मजाक बनाया करते थे, हम भी हमारे लौकिक हाउस के पास में एक बहुत सालों से चल रही बहन ज्ञान में वो कहा करती थी कि महाविनाश होने वाला है, विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, सत्ययुग आएगा, भगवान पढ़ाते हैं, तो हमें भी बहुत अजीब लगता था और हम हंसी उड़ाते थे, हम उनकी बात नहीं सुनते थे, हमें बहुत शौक लगता था कि ये क्या बात करती रहती हैं, लोग तो रामायण का पाठ करते हैं और इस तरह से कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये क्या बात करती रहती हैं, ये तो अजीब है। तो देखिए हम भी उसी हिस्से में आते थे जिस हिस्से में अभी भक्ति करने वाले आते हैं या जो परमात्मा को यथार्थ नहीं समझ पाए उसमें आते हैं। तो हम चूंकि ऐसे योग में नहीं बैठते हैं कि हम रोज़ सुबह उठ करके ब्रह्मा मुहूर्त में अमृत वेला में बाबा से घंटों बैठ करके रूह रिहान चल रही है और हम बाबा के ज्ञान में बैठ करके एक आसन लगा करके भगवान के कमरे में लाल लाइट जला करके बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। और देखिए हमने मुरली का इतना मजाक उड़ाया और मैं कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि बाबा ने
मुझ आत्मा को ऐसे ड्रामा से चुना, ऐसे देश से चुना कि हम लौकिक में अपने शरीर निर्वाह अर्थ दूसरे देश में रहते हैं और वो ज्ञान सुनते सुनते कब मुरली तक बात पहुंच गई, कब सुनाने तक बात पहुंच गई और कब मुरली का इतना इम्पोर्टेंस समझने लगे कि मुरली है तो सब है, मुरली नहीं तो कुछ नहीं है, इतना अधूरा लगता है। तीन तीन चार चार दिन का सफ़र करती हूँ, मुरली बाबा रोज़ अपलोड करवा रहे हैं, माताएं बहनें घर में जो बांधे ली हैं, जो नहीं जा सकती हैं बाबा के पास तक, या कोरोना के टाइम पे जो सेंटर्स बंद कर दिए गए थे तो उस कारण भी बहुत सारे भाई बहन वंचित रह जाते थे मुरली से, तो बहुत सारे भाई बहनों ने ये वाईफाई नेट के द्वारा, वाईफाई भगवान का ज्ञान जाना, वो तो शिव जी का नेटवर्क है, कोई ये नेटवर्क नहीं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि परमात्मा कई बार महावाक्यों में कह चुके हैं कि जो मुरली है या जो भी डिवाइस हैं, गैजेट्स हैं, जिसके द्वारा भी आप तक पहुंचती है, वो मेरे ही द्वारा उन आत्माओं तक ये पहुंचा है संदेश कि अब ये सब इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए। तो जो समझता है वो ये सब सुनता है, और जिनको फिर विकारों में गिरना है तो फिर तो फोन डिवाइस गैजेट्स के द्वारा आप बिल्कुल अपना जीवन बर्बाद कर लो, नहीं तो फिर एकदम आबाद कर लो। आप पॉजिटिव रहेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव सुनेंगे देखेंगे, आप नेगेटिव रहेंगे, आप हैं ही किसी गलत कार्यों में तो फिर वो भी आपको दिखाते हैं, सामने वाले को तो पैसे कमाना है। कई कई भाई बहन इस संस्था में भी ऐसे ही सब सोचते हैं, जबकि देखिए परमात्मा के ज्ञान में आने के बावजूद भी परमात्मा के कुछ बच्चे, जैसे कि बाबा आए दिन मुरलियों में लिखते हैं कि 20-20 25-25 वर्ष वाले भी सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया उनका मुंह उल्टा फेर देती है, ऐसा थप्पड़ लगाती है, नाक के बल पटक देती है। तो वो जो परमात्मा के जो कुछ एक मनुष्य आत्माएँ हैं जो बाबा के बच्चे लिखते हैं, बीके फलाना बीके ढिकाना, तो वो भी ईश्वर की आड़ में विकारी काम करते हैं, विकारी वीडियो अपलोड करते हैं, आपको कहते हैं कि हम आपसे लव करते हैं, इस तरह से कहते हैं। चूंकि हम फीमेल हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जो शक्ति दी है अपने जीवन में मनुष्य आत्माओं को परखने की, जब आप श्रेष्ठ उसमें रहेंगे, स्थिति में श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी, आपको परखने की शक्ति आएगी और यथा प्रमाण यथा शक्ति आपको इस्तेमाल करने के लिए अष्ट शक्तियां दी हैं, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति। बाबा ने हमें जो शेरनी बनने की विधि है दिखाया है ना, देवी को कैसे शेर पर बैठना है, आपको बोलने का भी दिया है, आपको अगर आप किसी बात को सहन करते हैं तो भी आप उस कर्म में कहना चाहिए विकर्म के साथ ही हैं। तो इस तरह से यदि आप पात्र को देख करके दान नहीं देते हैं तो भी आप का अकाउंट में बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से कितने सारे मनुष्य आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। देखिए हर एक बात में, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, चाहे वो साइंस की बनी हुई हो, चाहे मनुष्यों ने बनाई हो और चाहे आज परमात्मा की मत के द्वारा मनुष्यों को मिली हो, है ना, लेकिन हर एक में फायदे नुकसान जरूर हैं, नफा भी है नुकसान भी है। तो बहुत सारे होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब जब लॉकेट हाउस अपने भारत देश जाती हूँ, बाबा की भूमि पर जाती हूँ, तो मैं जिस भी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ के तो भाई बहन बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि आप कुछ दान देते हैं, कुछ पैसा देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भंडारी में लिख के डाल दो, आप किस बात से दे रहे हो, चूँकि भगवान क्यों मांगेगा। भगवान यदि वो भंडारी में डाला जा रहा है या कुछ भी कार्य से, आप अपनी मनसा सेवा से, या आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, या बच्चा ठीक हो जाए, बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं, बाबा आपको भंडारी में डालती हूँ, इससे बाबा के बच्चों की पालना होगी, क्योंकि बाबा के बच्चों की पालना वाले जो बाबा को समर्पित हैं वो तो कोई शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते नहीं है, नौकरी धंधा करते नहीं है। तो जो हम आप गृहस्थ से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, तो वही सब तो बनेंगे ना आधार देने का और उनकी पालना करने का, है ना।
तो जैसे आप कोई विदेशी भाई आता है, फॉरेनर है कोई, उनको जब गॉड का परिचय मिल जाता है, जब वो जान लेते हैं कि गॉड कौन है, तो वो अपना सब कुछ, मतलब जितना भी उन्होंने अपनी लाइफ में कमाया ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, पीस ऑफ माइंड पे आप मधुबन भी साकार में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गोरे चेहरे दिखते हैं, अर्थात फिरंगी दिखते हैं, जो बाबा के बिछड़े कल्प पहले बच्चे, वो भी तो आएंगे ना, बाबा की बिरादरी के होंगे तो वो भी, उनको भी तीर लगेगा, वो भी गॉड का वो लेंगे, तो वो अपना सब कुछ दे देते हैं सेकंड्स में। जिसको भगवान मिल गया, उसके लिए कागज, धन, माया, शरीर से जुड़े जो भी हैं संबंध साधन, वो उसके किस काम के हैं। मानते हैं हम कमजोर हैं, लेकिन हमने जिसका हाथ थामा है वो दुनिया का मालिक है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब ये इंसान परख समझ आ जाती है, उसके बुद्धि में ये बात जम जाती है कि मुझे भगवान मिला है, भगवान जिसे दुनिया ढूंढ रही है, अभी भी दर दर की ठोकरें खा रही है, वो मिला है, तो उसके लिए ये जमीन जायदाद, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेकंड्स में सब कुछ दे दिया, 400 बच्चों की उन्होंने कितने वर्षों तक पालना नंबर वन से की, कि यही आत्माएं हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त हैं और स्वर्ग बनाने में सहयोगी आत्माएं हैं, तो इनकी पालना कोई ऐसी नहीं, नंबर वन से होनी चाहिए। तो देखो इस तरह से फिर भी बहुत सारे मनुष्य आत्माओं के मन में आता है कि रिसिप्ट नहीं देते हैं, इनके दान दे देते हैं ये कभी। अरे आप समझो तो, आप जानो तो, आप क्या कह रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं उसे पहले समझो। भगवान किसी से क्या मांगेगा, भगवान की आगे आप कैसे बातें करते हैं। और जो नहीं समझो तो दूरी बना करके रखो, आपको जिसमें संतुष्टि मिलती है आप वहां जाइए, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ गलत है तो आप वहां मत जाइए। आप जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपके बिरादरी के लोग मिलते, जहाँ आपकी स्वेच्छा और शांति मिलती, वहां जाइए ना। भगवान तो सिर्फ ये कह रहा है कि बच्चे विश्व में कोई भी ऐसा ना बाकी रह जाए जो ये कहने के लिए या मेरे ऊपर में कोई कहने रह जाए कि भगवान आए और मुझे पता नहीं चला। आपका काम है बताना, सामने वाले का काम है मानना नहीं मानना, तीर लगा नहीं लगा उसमें आप नहीं, आप मेहनत करिए। यहाँ कोई लड़ाई डिबेट करने की बाबा ने कहा बात नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है करने दीजिए, क्योंकि दूसरी बात, हम भगवान नहीं हैं, भगवान आया है सुधारने, लेकिन भगवान उन्हीं को सुधारेगा ना जो उसके बच्चे होंगे, है ना, जो कपूत बच्चे होंगे उनको कैसे परमात्मा सुधार पाएंगे। भगवान तो खुद देखिए दूसरे देश में आए, पराए देश में, ये तो पराया देश है ना, ये तो रावण का राज्य है ना, ये तो भगवान का नहीं है ना, ना ही देवी देवताओं का है जो भगवान ने रचा है, तो वो नहीं है। तो हम जो कहना चाहते हैं कि हम गृहस्थ में रह के परमात्मा ने हमें, देखो जिसकी, बाबा की हमने ऐसे बुराई करते थे, मजाक उड़ाते थे, ना जाने क्या क्या सोचते थे, आज परमात्मा ने मुझे बैठ करके निमित्त बनाया है, ग्रस्त से चुना है, वाईफाई चुना है, मैं कोई भी संस्था से नहीं जुड़ी हूं, मैं सेल्फ का, बाबा ने मुझे जो भी दिया है वाईफाई ज्ञान, उस सेल्फ ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को, बाबा की जो पढ़ी हुई मुरली है, बाबा की जो शक्तियां हैं, बाबा को कंबाइंड रख के इस मुख से जो भी निकलता है वो बाबा को कंबाइंड रख करके बाबा से कहती हूँ, बाबा आज मैं इस सेवा के लिए इस टॉपिक पर बैठी हूँ, आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके, सामने स्पीकर बना करके, निमित्त बना करके मुझे बिठाना, शब्द आपके, मुख मेरा, शक्ति आपकी और शब्द मेरे द्वारा निकले, लेकिन होने आपके चाहिए। कई बार जब मैं खुद का वीडियो देखती हूँ या कुछ भी इस तरह से सुनती, तो मुझे लगता है बाबा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो देखिए
जब परमात्मा इस तरह से अपने बच्चों को अपना बना लेता है, ऐसे करंट खींचता है उसका कि आपको उसके बिना कुछ नहीं दिखाई देता। यदि अभी 24/7 आवर्स पे बाबा के बारे में बात करूँ ना तो कम है, इतने बाबा के बारे में बातें हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग कहते हैं कि बहुत लंबा है, बोर है, सुन नहीं सकते हैं। देखो, आप दुनिया में कितने दुखी हो, भगवान को शॉर्टकट बना दिया, भगवान को हर चीज़ में आप कहते हैं कि भगवान जल्दी करो जल्दी करो। अरे हमारे तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, जल्दी जल्दी कैसे हो जाएंगे। उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, आपके आत्मिक बल होना, आपको परखने की शक्ति होना, आपको समाने की शक्ति होना, जो दुनिया में लोग कहेंगे उसे सहना है, लेकिन किसी भी हालत में परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है। तो अब जो मेन बात है कि जैसे बाबा ने मुझे सेवा दी, कई भाई बहन सोचते हैं कि बहन से बात करेंगे, तो देखिए इस संसार में ईश्वर को भी कैसे कैसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जैसे ही मौका पड़ता है, चील जैसे इस बिकारी दुनिया में आज कहना चाहिए कि ऐसे कैच कर लेते हैं ना। तो जब ये पब्लिक ग्रुप होने की वजह से, मैं भी परिवार से हूँ, मुझे अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, बाबा को भी नहीं छोड़ना है, बाबा के साथ भी चलना है, परिवार में जो ड्रामा मिला है उनका भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और बहुत सारे बहनों को काम, माताओं बहनों को काम रहते हैं, पूरे दिन काम रहता है। हम बहुत लेट नाइट बैठ करके मुरली करते हैं सोने से पहले, क्योंकि वही हमारे पास में टाइम है मुरली रिकॉर्ड करने का, और बाकी दिन में तो कुछ ना कुछ काम रहता है। तो इसीलिए कई बार सोचती हूँ कि नंबर रखती हूँ, क्या पता जिस आत्मा को देना है वो आत्मा तक पहुँचने से पहले ही बीच में कोई, फिर भी बाबा से योग लगाती हूँ, बाबा को कहती हूँ बाबा कैसे करना है, देना है नहीं देना है। तो बाबा जब तक हमें मत ना दे, हम कैसे कुछ कर सकें, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए जो योग है वो आपको बैठ करके या किसी कमरे में ही बैठ करके, मैं तो नहीं करती, मैं तो आपसे साफ साफ कहती हूँ, मेरा सुबह जब उठना होता है तो बच्चों के लिए टिफ़िन रखना होता है स्कूल के लिए, तो 5 बजे या 4:30 बजे जब भी बिस्तर छोड़ती हूँ, तो मैं तो कर्म में रहते ही परमात्मा की याद में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा ही समय है, वैसे ही करती हूँ। फिर भी परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया कि मैं ज्ञान को दे पा रही हूँ, और आप 24 घंटों में अमृत वेला भी करते हैं, नौमा शाम भी करते हैं, रात्रि विश्राम से पहले भी 15 मिनट योग लगाते हैं, फिर भी आपको ये निश्चय क्यों नहीं होता, क्यों आप अपने आप में हिम्मतहीन हो जाते हैं, आपके अंदर बल नहीं रहता, फिर भी आपको कोई आधार चाहिए रहता है, कोई निमित्त चाहिए रहता है, किसी के थ्रू परमात्मा से जुड़ना होता है, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, अब जैसे हम सुबह बैठे और शुरू हो गए, आँख बंद कर ली, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की छत्रछाया में बैठी हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, प्योर हूँ, और आसपास का जो भी साउंड आ रहा है वो सुनाई दे रहा है, आपको आभास हो ही नहीं रहा है। आप कितना भी माला जाप कर लें, कितना भी मंत्र उच्चारण कर लें, कितना भी कुछ, जब तक आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं, आती हैं बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सी ऐसे संबंध आएंगे, याद आएंगे, नौकरी याद आएगी, कुछ ना कुछ आपको याद आएगा, तो आप उसको पहले परमात्मा को सौंप दें, है ना। चलते फिरते उठते बैठते आप परमात्मा की याद में रहें, पहले परमात्मा को याद रखें। अब देखिए यदि आप पूरे दिन में 15 मिनट परमात्मा को चलते फिरते याद करते हैं, और बैठ करके घंटा करने के बाद भी आपकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, या परमात्मा से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, कोई विकारी विकल्प आ रहे हैं, या कुछ भी वो करने की वजह जैसे आप बैठे हैं,
कहीं खो गए, ठीक वैसे ही जैसे कि 100 लोगों की भीड़ में आप अपने एक आशिक को, प्रेमी को याद करते, उसके अपने बाहों में भर लेते हैं, और आपको कोई पूछे कि बहन यहाँ से वो भाई साहब गुजरे क्या, तो आप कहेंगी कि नहीं हमने तो नहीं देखा, तो वो बोलेंगे नहीं मैं अंदर जरूर थी लेकिन मुझे आवाज़ आई, उनकी बात करने की आवाज़ आई, वो बोलेंगी नहीं क्योंकि वो शरीर से तो वहाँ बैठी हुई थी लेकिन उनका मन उस आशिक के बाहों में लेकर के बैठे रहने का था ना, तो वो होते हुए भी नहीं थी। तो आप जैसे आप 2 घंटे ना बैठे परमात्मा की याद में और आप सिर्फ ऐसे कहें बाबा आप कितने प्यारे हो, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप मुझे मिलेंगे, बाबा इस संसार में करोड़ों आत्माएं हैं लेकिन आपने मुझे चुना और वो भी ऐसे ड्रामा से चुना जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, बाबा आप हर पल मेरे साथ रहते हो, बाबा आप नहीं दिखाई देते, मैं दुनिया को नहीं बता सकती कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं और किस तरह से आप को याद करना है, आप अशरीरी हैं या जो भी है, तो ये सब आपको एहसास करना है। बाबा आपने तो हमें हमारे ही आत्मा का दर्शन करा दिया, देव दर्शन करा दिया, बाबा हमने तो भक्ति में हर एक मूर्ति के सामने हर एक मंदिर में जाकर के यही कहा कि भगवान हमें अपने चरणों में जगह दे दो, आपने तो हमें अपने सर में बिठा लिया बाबा, आपने तो हमें मस्तक मणि कह दिया, बाबा आपने तो हमें चरणों की धूल नहीं बल्कि इस दुनिया का मालिक बना करके आपने तो अपने सर का ताज बना लिया बाबा, आपने तो हमें ब्रह्मांड का मालिक बना दिया, बाबा आपने तो हमें प्रेम करना सिखा दिया, बाबा जो छोटा मोटा ज्ञान हमारे पास था उसी ज्ञान में मैं दिन भर खोई रहती थी, वो झूठा ज्ञान जो किसी के काम में नहीं आना था, उस ज्ञान से मैं किसी का भी भला नहीं कर सकती थी बाबा, वो तो मेरे ही भले के लिए था, मैं ही पढ़ाई करती तो मेरे ही शरीर निर्वाह का या बच्चों के तक सीमित रहता है या दुनिया को जानने के लिए बात करने के लिए इधर ही तक सीमित था बाबा हमारा ज्ञान, आपने तो हमें ऐसा ज्ञान से भरपूर ऐसे ज्ञान रत्न दिए बाबा, इस ज्ञान से तो मैं ना जाने कितने और आत्माओं का भला कर पाऊंगी बाबा, फिर मुझे कितनी दुआएं मिलेंगी बाबा, और वो दुआओं से मैं अपने परिवार के, अपने साथियों के, अपने पहचान वालों की कितनी सेवा, कितना काम में आ सकती हैं बाबा, मैं दुआ करूं बाबा कि सब सुखी रहें बाबा, जो जिस इंसान की, जिस भी आत्मा की मनसा है वो पूरी हो जाए बाबा, मैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दूं बाबा, मेरे ऊपर इतना हाथ बनाए रखना बाबा, ये दुनिया बेकार ही है, कदम कदम पर दुनिया के विकार जो हैं आत्माओं में वो अपनी ओर खींचते हैं बाबा, आप बाबा इस अपनी बच्चे का कभी हाथ नहीं छोड़ना बाबा, क्योंकि ये दुनिया ना आपकी है ना मेरी है, किसी की भी नहीं है, ये तो रावण की दुनिया है, तो यहाँ यदि आपने हाथ छोड़ा और आपकी बच्ची डगमगाएगी तो डगमगाने से पहले या डगमगाने की बात ही क्यों पैदा हो बाबा, आप मुझे उससे पहले अपनी बाहों में भर लेना बाबा, ताकि मैं आपकी बाहों के आघोश में आकर के मैं महसूस कर पाऊँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है और घर में जो भी है बाबा मैं तो सिर्फ पालना आपने निमित्त बनाया है तो कर रही हूँ, आप दुनिया को चला रहे हैं और आपने मेरे घर में एक निमित्त बना करके एक छोटी सी दुनिया का मालिक बनाया, वो दुनिया का मालिक और मैं निमित्त बन सबकी पालना कर रही हूँ, मुझे वो ला कर दे रहे हैं, मैं फिर कर रही हूँ, करण करावन आप हैं, तो इस तरह से आप इस तरह से जब कर्म में रहते बात करते हैं ना, तो बस बाबा का योग मतलब क्या है, क्या बैठ जाना है,
क्या आत्मा को परमधाम में ले जाकर के बिठा देना है, तब तक यहाँ शरीर विनाश हो जाना है, है ना। आग लगा दी जाएगी शरीर में यदि आप 5-10 मिनट ऊपर जाके। किसी किसी का हेडेक भी होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ एक बिंदु बने। अब बिंदु होगा तो बनेगा ना, बिंदु तो दिखता नहीं, वो तो अदृश्य है। आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहीं काम से गए हैं और आपके घर में ताला डला हुआ है, लेकिन आपके छत पर कपड़े सूख रहे हैं। आप किसी दूसरे प्लेस में हैं और घर में ताला डला है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, या गेहूं डला है, कुछ भी डला है, आप वहां हैं। सडनली बारिश आती है, तूफान आता है, आपका सेकंड लगेगा, एक सेकंड में, इवन पानी भी नहीं गिरेगा, हवा आएगी, वैसे ही आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी, छत पे सूख रहे कपड़ों पर। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आपके कपड़े उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है जिसको आप कह सकें। आप पूरे कपड़े देख लेंगे, इवन आप उन कपड़ों को शायद उड़ते हुए भी देख लें, भीगते हुए भी देख लें, कोई उठाने वाला नहीं। अब जाएंगे तब उठाएंगे, आप पास में होंगे तो दौड़ लगा देंगे, क्योंकि आपने वो सब देख लिया। तो आपने देखिए वो सब रियलाइज भी कर लिया, आपने वहां तक पहुंच भी गए। तो ऐसे ही तो परमात्मा है, आपको कोई वहां जाना नहीं है, आपको बुद्धि से चले जाना, बस इतनी सी तो बात है ना? अच्छा, ऐसे ही बाबा की बहुत सारी बातें हैं। यदि आप सभी को बहुत पसंद आती हैं तो मैं ज़रूर समय निकाला करूँगी और बाबा की सेवा में सदा बच्चों के लिए, बाबा के बच्चों के लिए हाजिर रहूँगी। और परमात्मा के महावाक्यों के साथ साथ अभी मैं इस बात को यहीं विराम देती हूँ। और बाबा साफ साफ कहते हैं किसी से डिबेट करना नहीं है, जो जिसको तीर लगना है लग जाएगा, बीज डल गया है तो कभी ना कभी भाग के भी लौट कर यही झंडे के नीचे आना है। और आप सबको पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए, तो मैं और भी इस तरह से आपके साथ में अपने जीवन से जुड़ी बातें परमात्मा के महावाक्यों के साथ में रिलेट करके, और किस तरह से हमें बाबा की याद में रहना है, कैसे बाबा का हमें अपना सहयोग बनाना है, कैसे कदम कदम पर बाबा की मत पर चलते हुए हमें बाबा का साथ लेकर के हर एक मुश्किल से बाहर आना है, कैसे बड़ी बड़ी मुश्किलों में हमें धैर्यता रखनी है, कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम लोगों के लिए सहायक बन सकते हैं जबकि आप उनके साथ नहीं हैं, कैसे आप वाइब्रेशन से किसी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उनके मन को शक्तिशाली वाइब्रेशन से शांत कर सकते हैं, कैसे इस संसार में, ये मची हुई दुनिया में जो लीलाएं चल रही हैं बेहद की, उस लीलाओं में एक साथ 200 जान जा रही हैं, तो वो भटकती हुई आत्माओं को कैसे आपको सेवा देनी है, तो यह सब आपके साथ में साझा करेंगे। अच्छा, शांति, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, और बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद।